Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. भारत इस वक्त दुनिया में अपना दम दिखा रहा और खास तौर से भारत के हथियारों ने दुनिया के शक्तिशाली देशों की नींद उड़ा रखी है। यहां तक कि अमेरिका भी कह चुका है कि भारत कहीं भी हथियार खरीदे या बेचे उसमें अमेरिका को कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अब भारत की पावर देख तुर्की हैरान है और वो हैरान इसलिए है क्योंकि अमेरिका भारत को कुछ नहीं बोल रहा और तुर्की को अमेरिका के बयान से मिर्ची लग गई। चलिए अब जानते हैं अमेरिका ने क्या कहा अपने बयान में और तुर्की ने क्या जवाब पाया। दरअसल अमेरिका ने तुर्की के मुंह पर ताला लगाते हुए कहा कि भारत के लिए अमेरिकी हथियारों के सभी दरवाजे खुले हैं। जब भी भारत अपने रक्षा क्षमताओं को मजबूत बनाने की बात करता है तो भारत के लिए अमेरिका के किसी भी हथियार या किसी भी सैन्य हार्डवेयर के दरवाजे बंद नहीं है। इतना तो ठीक था, लेकिन रुकिए, अमेरिका ने तुर्की के घाव पर तब नमक छिड़क दिया जब भारत को अपने थार और पैट्रियट जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम के अलावा अमेरिका की पांचवी पीढ़ी के हथियारों के दरवाजे खुले रहने की बात कह दी और अमेरिका की इसी बातों को सुनकर तुर्की अपनी खीज निकालते हुए भड़कने लगा। तुर्की को यह महसूस हो गया कि अमेरिका भारत के साथ अपने संबंधों को प्राथमिकता दे रहा और तुर्की को दरकिनार कर रहा। तुर्की का कहना है कि उसने अमेरिका से कई बार हथियारों और सैन्य तकनीक की मांग की, लेकिन उसे हर बार निराशा हाथ लगी। इसके विपरीत भारत को अमेरिका अपने सबसे आधुनिक हथियारों की पेशकश कर रहा, यहां तक कि थार और पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम और पांचवी पीढ़ी के हथियारों तक की बात कर रहा। तुर्की के लिए ये स्थिति असहज है क्योंकि उसे लगता है कि अमेरिका उसे नजरअंदाज कर रहा और भारत को प्राथमिकता दे रहा, जबकि भारत ने रूस के साथ अपने रक्षा संबंधों को कभी भी कमजोर नहीं दिखाया। तुर्की की नाराजगी सिर्फ भारत अमेरिका के सैन्य संबंधों तक सीमित नहीं है। तुर्की कश्मीर के मुद्दे पर भी लगातार बयानबाजी करता है, जिससे भारत और तुर्की के बीच संबंधों में तनाव बढ़ा हुआ है। तुर्की पाकिस्तान का करीबी सहयोगी होने के नाते कश्मीर पर पाकिस्तान का समर्थन करता है और इस मुद्दे पर भारत की लगातार आलोचना करता है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने कई बार संयुक्त राष्ट्र महासभा और अन्य वैश्विक मंचों पर कश्मीर का मुद्दा उठाया। भारत ने हर बार तुर्की के इन बयानों की कड़ी आलोचना की और साफ तौर से कहा कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और इस पर किसी बाहरी देश को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं। खैर, तुर्की जो खुद कश्मीर मुद्दे पर भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है और पाकिस्तान का समर्थन करता है, उसे अब ये समझना होगा कि भारत की बढ़ती ताकत और अमेरिका के साथ उसके बढ़ते संबंधों से वो खुद को अलग थलग महसूस कर रहा है। तुर्की की विदेश नीति में ऐसे कई विवादास्पद मुद्दे हैं जिनसे उसने कई देशों के साथ संबंध खराब किए हुए हैं। भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती नजदीकियों ने तुर्की को और अधिक असहज कर दिया है और ये तुर्की के लिए एक कड़ी सीख हो सकती है कि उसे अपनी विदेश नीति को पुनः विचार करने की आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।